G20 को लेकर के दिल्ली की सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ नजर आ रहा है। दिल्ली में जगह जगह पर रोड बंद है, ट्रैफिक डाइवर्ट किया गया है और जो बड़े बाजार हैं उनमें भी खासा भीड़ नजर नहीं आ रही है और कई पार्किंग्स को बंद किया गया है, कई मेट्रो स्टेशन बंद है। ऐसे में लोग ये सोच रहे हैं कि G20 है, देश का मान सम्मान है और इसलिए इस पर सुरक्षा व्यवस्था है, रोड बंद किए जाने से उन्हें कोई दिक्कत नहीं है बल्कि देश का मान सम्मान बढ़ना चाहिए। क्या नाम है आपका? किशन कुमार। किशन जी, क्या कहेंगे, आज G20 का विधिवत रूप से आगाज हो चुका है, दिक्कत हो रही होगी सड़कों पर आने जाने में? दिक्कत हो रही है, कई जगह रोड भी डाइवर्ट किया गया है और इसलिए आने जाने में प्रॉब्लम होती है। हालांकि होना चाहिए, G20 देश का सम्मान है। अच्छा, आपको क्या लगता है कि जिस तरह से G20 हो रहा है, देश के अंदर मान सम्मान बढ़ा है, सड़कें सजाई गई हैं, दिल्ली सजाई गई है, ये सरकार का एक गुड स्टेप मानते हैं आप? हाँ, बिल्कुल गुड स्टेप है। अच्छा, आप लोगों को दिक्कत हो रही है, उस दिक्कत के लिए कुछ नहीं कहेंगे? दिक्कत हो रही है सर, क्या कर सकते हैं आप, लेकिन 3 दिन की दिक्कत है, कोई ज़्यादा दिन का होता तो दिक्कत होती। अगर दिक्कत हो रही है तो ऐसा नहीं है कि सरकार पर कोई गुस्सा है, नाराज़गी? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बस यही है कि रोड डाइवर्ट की वजह से आने जाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। क्या G20 का समिट जो है भारत में हो रहा है उससे आप लोग खुश हैं कि हाँ भाई इतना बड़ा समिट भारत? बिल्कुल सर, बिल्कुल होना चाहिए था, ये होना चाहिए था। इसका श्रेय किसे देते हैं, क्या समझते हैं, क्यों इतना बड़ा इवेंट सरकार करवा पाने में, क्या मोदी जी या भारत सरकार या आज तक की सरकारों को, किसको श्रेय देना चाहते हैं? नरेंद्र मोदी को ही मानते हैं, नरेंद्र मोदी की वजह से? बिल्कुल ही। क्यों? क्योंकि आज तक पूरे इतने दिनों में कभी नहीं हुआ, उनके सरकार बनने के बाद ही हो रहा है ये G20 का, सर तो उन्हीं को देना चाहिए श्रेय। दो आपको लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वजह से ये सब कुछ? उन्हीं की वजह से। भारत सरकार या उनके अधिकारियों का योगदान नहीं मानते हैं? नहीं, योगदान अधिकारियों का भी तो है, भारत सरकार होगा, लेकिन आइडिया तो इन्हीं का होगा जब भी उनका योगदान होगा, कोई आइडिया देने वाला भी तो चाहिए होता है पहले, वही बात है। नहीं, आइडिया नहीं है तो वर्ल्ड लेवल, वर्ल्ड इकोनॉमिक पर हो रहा है, तो आपको नहीं लगता है कि सभी का योगदान है और आज तो भारतवासी जिस तरह से खुश नजर आ रहा है, सभी का योगदान है मान सकते हैं? आपसे लेते हैं क्योंकि आप भी बैंकर हैं, क्या कहेंगे, आज G20 देश में हो रहा है और एक बड़ा इवेंट है, कैसे देख रहे हैं इसे? आज दिक्कतें जरूर हो रही हैं दिल्ली वालों को, लेकिन इन दिक्कतों को आप नाराज़ हैं इन दिक्कतों से? नहीं, बिल्कुल नाराज़ नहीं है, G20 होना चाहिए, सम्मान है अपने भारत देश का और माननीय नरेंद्र मोदी जी को हम धन्यवाद बोलना चाहते हैं कि G20 कराया, उससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आगे चल के और देश में कई बदलाव होंगे अपने नई दिल्ली भारत में। अब आपको लगता है कि G20 का जो बड़ा समिट होने जा रहा है उसमें बदलाव नजर आएंगे, जब इतने मुल्क भारत आए हुए हैं तो कुछ बड़ा स्टेप होगा G20 में? ये जो नेताजी बाहर से अभी आए हैं तो बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है आगे चल के, अब जो भी उनका प्लान होगा लेकिन बदलाव होगा। अच्छा, अपने बाइक से चलते होंगे, रास्ते बंद हैं, दिक्कत हो रही है? दिक्कत 3 दिन की दिक्कत है, बाकी मैनेज कर लेते हैं, 3 दिन अगर हम मैनेज कर लेंगे तो हम जिंदगी भर के लिए खुश रहेंगे। मतलब दिल्ली की जनता नाराज़ नहीं है? नहीं, दिल्ली की जनता बिल्कुल नाराज़ नहीं है, मैं तो खुश हूँ कि कुछ आगे चल के मेरे को ही अच्छा मिलेगा। मतलब आपको लगता है कि गुड स्टेप है सरकार का? गुड स्टेप है बिल्कुल, धन्यवाद बोलते हैं मोदी जी को और अपने केजरीवाल जी भी सहयोगी हैं तो धन्यवाद। मतलब दोनों सरकारों का धन्यवाद है कि दोनों ने मिल करके अच्छा काम किया है। आज दिल्ली बहुत खूबसूरत है, कभी सोचा था कि इतनी सुंदर हो जाएगी दिल्ली? नहीं, दिल्ली आज बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, अपना प्रगति मैदान हुआ, नंबर एक पे आज है, सुप्रीम कोर्ट हुआ नंबर एक पे, सजावट में लेके हर चीज़ नंबर एक, मतलब साफ सफाई बढ़िया चल रहा है दिल्ली। अच्छा, मार्केट्स बंद हैं, लोग नहीं आ पा रहे हैं तो उसका कुछ नुकसान व्यापारियों को भी हो रहा है, व्यापारी नाराज है, वो लगता है कि व्यापारियों को नाराज़ होना चाहिए या उनका सहयोग करना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नाराज़ नहीं होना चाहिए क्योंकि 3 दिन है, 3 दिन में अगर कुछ होता है तो बाकी सब बढ़िया आगे चल के चलेगा सर। चलिए, मतलब आप मानना है कि बहुत अच्छा इवेंट है और बहुत अच्छा हो रहा है? हाँ जी, हाँ जी। चलिए, दिल्ली में हम आपको बता रहे हैं कि दिल्ली की जनता इस G20 के बारे में क्या सोच रही है, क्योंकि खासा परेशानी तो दिल्ली की जनता को उठानी पड़ रही है, तो दिल्ली की जनता सरकार से कितना संतुष्ट है, क्या इस G20 से उठे नियमों से दिल्ली की जनता को कोई तकलीफ तो नहीं है, यही सवाल है और बहुत अहम सवाल है।